न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। पिछले 6 महीनों में शहर के कितने पेड़ों को काटा गया, इसकी जानकारी उच्च न्यायालय को दे, ऐसा आदेश न्यायालय ने बुधवार को दिए। महापालिका आयुक्त मध्यस्थी सुनील मिश्रा टेकड़ी गणपति समिति संयुक्त रीत्या इसकी जानकारी दे, ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी एवं एस एम बोडक इन्होंने दिए। न्यायालय ने अपनी तरफ से इस याचिका को दाखिल किया है। यह विशेष इस प्रकरण में न्यायालय की तरफ से एडवोकेट कल्याणी देशपांडे, मनपा की तरफ से एडवोकेट कासट, टेकड़ी गणेश मंदिर की तरफ से सुमित जोशी और मध्यस्थी सुनील मिश्रा, इन्होंने न्यायालय में अपनी बात रखी। न्यायालय ने पिछले 6 महीनों में शहर के कितने पेड़ों के बूंदों को बंद किया गया है, इसकी भी जानकारी मांगी। आज शहर में सीमेंट रोड का काम जोरों पर चल रहा है, इसलिए नए पेड़ लगाने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं। सीमेंट रोड के निर्माण की वजह से शहर में उपलब्ध पेड़ भी नष्ट हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या की तरफ मिश्रा इन्होंने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था। पिछली बार भी शहर के 271 पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से नागपुर महानगर पालिका पूरी तरह से फंसी थी। सेमिनरी हिल स्थित पानी की टंकी को पेड़ों की जड़ों की वजह से खतरा पैदा हो गया था। मनपा की तरफ से वहां के 271 पेड़ों की कटाई पर न्यायालय ने रोक लगा दी थी। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार इन्होंने की मांग। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया था कि उपरोक्त स्थान रामलला का जन्म स्थान है। तथ्य और प्राप्त साक्ष्यों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि मंदिर तोड़कर ही वहां कोई ढांचा बनाने का प्रयास किया गया है और पूर्व में वहां मंदिर ही था। संघ का मत है कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर शीघ्र बनना चाहिए और जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि मिलनी चाहिए। मंदिर बनने से देश में सद्भावना व एकात्मता का वातावरण निर्माण होगा। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र निर्णय करे और अगर कुछ कठिनाई हो तो सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर श्री राम जन्मभूमि न्यास को भूमि सौंपे। जब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है, पूज्य संतों और धर्म संसद के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और उसका हमने समर्थन किया है। आगे भी वे जो भी निर्णय करेंगे उसमें हम उनका समर्थन करेंगे, ऐसा अरुण कुमार इन्होंने कहा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।